दोस्तों सब्सक्राइब करें हुंकार 24/7 को, दबाएं इस बेल आइकन को और देखें हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त मेरे साथ मेरे चैनल पर मौजूद हैं कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बुंदू सैफी जी। सर, हुंकार 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना और बधाई देनी चाहता हूँ कि आपने मौका दिया और बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ तक आए। सर, 67 साल राज करने के बाद कांग्रेस एकदम से चुनाव में बीजेपी आ गई, कितनी भारी हार हुई, क्या कहना है आपका? देखिए, झूठे आश्वासनों से बीजेपी आ गई। कहीं कहती है बीजेपी 15 लाख रुपए हर खाते में भेज देंगे, तो झूठे आश्वासन से बिजली का बिल आधे कर देंगे, कहीं मतलब योजना, बहुत सारी योजना बताई, वो झूठ बोला उन्होंने। और उन्होंने झूठ बोल करके सत्ता पा ली। कांग्रेस ने अपनी सच्चाइयों पर ही कांग्रेस, और अब तो राहुल गांधी जो हैं ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, बना दिए गए हैं, और बहुत ही अच्छे बहुमत से 2019 में कांग्रेस अपना झंडा लहराएगी और प्रधानमंत्री की पोस्ट पर राहुल गांधी जी। सर, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के टाइम से कांग्रेस चलती आ रही है, राजीव गांधी जी उसके बाद सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष इतना बड़ा उनको पद दे दिया गया है, क्या राहुल गांधी के हाथ में पूरी कमान आ गई है, उसके बाद कांग्रेस अच्छे कार्य और लोगों का मन दोबारा जीतेगी? देखिए, जब से राहुल गांधी जी आए हैं इतनी मजबूताई बढ़ी है और अगाड़ी बहुत ही संघर्ष किया जाएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत की जाएगी। जो अभी जैसे गुजरात में देखा आपने, गुजरात में कितनी सीट बढ़ गई हैं, पंजाब में देखा, पंजाब हमारी सत्ता आई है, तो इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस 2019 में आके प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। और इंदिरा गांधी का जहाँ तक सवाल है, इंदिरा गांधी की बात नहीं है बल्कि नेहरू गांधी जी के ज़माने से कांग्रेस है, और कांग्रेस होने के बाद महात्मा गांधी जी रहे, जब कभी बच्चा की जोड़ी होती थी दो बच्चों की, और अब फिर जब इंदिरा गांधी जी आई, इंदिरा गांधी जैसे तो लास्ट लेवल की, ये तो विश्व लेवल की नेता थी, उनसे बढ़िया कोई नेता ही नहीं आया अभी तक, और ना ही आएगा। तो सच्चाई की राजनीति करी उन्होंने, झूठाई का कोई राजनीति का पहलू उनका नहीं था। एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पहली सरकार का काम सिर्फ कानून बनाना था, और दूसरी तरफ वो एक भाषण में ये कहते हैं कि जो कानून पहली सरकार बना गई, ऐसे 1200 कानून हैं जो उन्होंने अपनी सरकार बनने के बाद रद्द कर दिए हैं। देखिए, अभी तक जितने कानून जो कांग्रेस ने जो कानून कोई प्रक्रिया लगाई थी बनाने की, 19 कार्य में भी चल रहे हैं, जो कानून बना भी रहे हैं और जो मुद्दे लेके चल रहे हैं, कभी हिंदू का, मुसलमान का, कभी 3 तलाक का, कभी इसका, कभी उसका, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि देश विदेश घूम करके कुछ संघर्ष कर रहे हैं देश की उन्नति। मोदी जी बहुत ही अच्छे हिसाब किताब की लास्ट लेवल की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विद्वान है जो विश्व लेवल की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जैसे भी सब भी नहीं बन पाएंगे। मतलब सर, 2019 जो चुनाव आने वाले हैं उसके अंदर कांग्रेस अपनी सत्ता दोबारा लाएगी? हाँ बिल्कुल, हमारा ये कहना है जी, देखिए 2019 में कांग्रेस की सत्ता फिर वापस लौट के आएगी। और ये तो झूठे आश्वासन जब आप सामने देखेंगे तो झूठे आश्वासनों से कोई रात थोड़ी चलते हैं। और जैसे ही अभी झूठ बोल रहे हैं, कभी योगी जी झूठ बोले, ना अयोध्या का मंदिर बनवाया है उन्होंने, ना कश्मीर का मिसरा सुलझाया उन्होंने, ना मथुरा का मिसरा सुलझाया है, ना उन्होंने अभी काशी का मिसरा सुलझाया, उन्होंने अभी काम क्या करा? अभी तो 3-4 साल उन्होंने भागा दौड़ी में देश विदेश भाग करके ही जिंदगी पार कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना कि एक नया नाम आया है बीजेपी सरकार का, झूठी स्थान सरकार, ना अभी तक अयोध्या का मंदिर बन पाया है, और बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां स्वच्छ भारत अभियान अभी तक लोगों के मन को अच्छा साबित नहीं कर पाया है। अगर उन्नति आप देखें तो कारोबार कभी कांग्रेस के राज में सबके पास कारोबार रहता था और कोई आदमी दुखी नहीं हो गया, लेकिन इस दौरान ना तो जो पैसे है वे भी लोगों के खाते खुलवा खुलवा के उन्होंने बैंकों में गिरवा दिए। और करा क्या मोदी जी ने?
मोदी ने जो यही काम करा है, एक कारोबार सबके बंद करा दिए, कहीं ओजोन लगा पड़ा है, कभी कहीं कुछ लगा पड़ा, वो सिर्फ बीजेपी के देन है जो ओजोन वगैरह है, वरना कांग्रेस होती कांग्रेस सरकार अपने हिसाब किताब की बात रखती। तो सुना आप लोगों ने कि बीजेपी सरकार का एक नया नाम आया है, झूठीस्तान सरकार। ना अयोध्या का मंदिर बन पाया है, ना अभी तक बहुत सी जगहों पर स्वच्छ भारत अभियान अपनी कामयाबी को नहीं छू पाया है। कई जगह ओजोन है, कई जगह लोग अभी भी बीजेपी सरकार से परेशान हैं और लोगों का मन बीजेपी से हटता जा रहा है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस जरूर अपनी सत्ता में आएगी और बहुत से कांग्रेस चाहने वाले जरूर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना जरूर पसंद करेंगे। आगे की और तमाम खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ, कैमरामैन कुंदन के साथ हनी सहगल, हुंकार 24/7 बदरपुर। We'll be right back.